नमस्कार, मैं डॉक्टर कविता मनोत्रा दिल्ली से वात्सल्य संस्था को लेकर एक बार फिर आप सबके बीच में हाजिर हूँ, जो सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक प्ले के साथ आप सबकी सेवा में हाजिर हुए। नमस्कार, मैं दीपिका शर्मा वात्सल्य संस्था दिल्ली से भव्य फाउंडेशन का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हमें सामाजिक मुद्दों पर नाटक मंचन का निमंत्रण दिया है। हम सभी जानते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा तो सब लगाते हैं, लेकिन जब बात आती है बेटियों के घर बसाने की तो सबसे बड़ी समस्या दहेज की खड़ी हो जाती है। बेटियों को सामान के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ अपनाना चाहिए। दुल्हन ही दहेज है, दहेज नाम के राक्षस को समाज से मिटाना होगा। बेटियों को कीमती सम्मान के साथ नहीं बल्कि सम्मान के साथ अपनाना होगा। बेटियां ही सबसे बड़ा धन है। बेटियों के साथ साथ बेटों को भी पढ़ाना चाहिए ताकि हर घर में बेटियों का सम्मान हो। बेटों को पढ़ाए, बेटियों को बचाए। इस बार हमारा वात्सल्य परिवार आप सबके सामने फिर से लेकर आ रहा है सामाजिक मुद्दों पर आधारित एक नाटक, जिसका नाम है ये दहेज का पलंग मेरे ही हिस्से में क्यों आया। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह आप सब लोगों ने जयपुर में हमारे मैं कौन हूँ नाटक को जितना प्यार दिया था, उसी तरह एक बार फिर से आप लोग इस नाटक को भी अपना भरपूर प्यार देंगे। धन्यवाद।